लखीमपुर हिंसा मामले में एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स दावा कर रहा है कि किसानों को रौंदते हुए निकली कारों में से एक में अंकित दास भी था। अंकित पूर्व कांग्रेस सांसद अखिलेश दास के भतीजे हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी समर्थक हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस वायरल वीडियो में और क्या क्या बातें हैं। लखीमपुर बवाल का जो नया वीडियो सामने आया है, उसमें एक घायल शख्स से एक पुलिस अधिकारी बातचीत करता नजर आ रहा है। ये पुलिस अधिकारी हैं सीओ गोला गोकर्णनाथ संजय नाथ तिवारी। उन्होंने हाथ में माइक ले रखा है। वे एक एक करके सवाल पूछते हैं। जमीन पर बैठा शख्स जवाब देता है और शख्स के चेहरे पर चोट लगी है। बातचीत में घायल शख्स दावा कर रहा है कि काफिले में अंकित दास भी था। काफिले की 3 गाड़ियों में शामिल फॉर्चुनर गाड़ी में वह सवार था। गाड़ी भी अंकित दास की ही थी। वीडियो में घायल शख्स पुलिस अधिकारी को बता रहा है कि मैं लखनऊ चारबाग में रहता हूं। भैया अंकित दास के साथ लिखा पढ़ी का काम करता हूं। अंकित दास वही जो अखिलेश दास के भतीजे हैं। अंकित दास यहां अपनी फॉर्चुनर गाड़ी से आए थे। गाड़ी का नंबर 0036 है। ब्लैक कलर की फॉर्चुनर गाड़ी में 5 लोग थे। आगे जो थार गाड़ी चल रही थी उसको कौन चला रहा था मुझे नहीं मालूम। आगे जब थार गाड़ी सबके ऊपर चढ़ती जा रही थी, हम पीछे की गाड़ी में बैठे थे। अंकित दास पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे हैं। अखिलेश दास 18 साल तक राज्यसभा के सांसद रहे थे। मनमोहन सरकार में अखिलेश दास इस्पात मंत्री बन गए थे। अप्रैल 2017 में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। अंकित दास केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के साथ लखीमपुर खासतौर से निघासन इलाके में राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं। 3 अक्टूबर को डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आगमन पर लखीमपुर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे। इस पोस्टर में आशीष मिश्रा और अंकित दास की फोटो भी थी। रविवार को लखीमपुर के तिकुनिया में हुई हिंसा में अब तक 3 गाड़ियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। इनमें एक महिंद्रा थार है, उसके पीछे फॉर्चुनर और स्कॉर्पियो थी। आज तक ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अंकित दास इसी फॉर्चुनर गाड़ी में बैठा हुआ था। फिलहाल बीजेपी समर्थक अंकित दास ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को जन्मदिन के मौके पर पहले कुछ इस तरह फेसबुक पर बधाई दी थी। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा से करीबियों का जिक्र करते लिखा है कि उन्होंने किस तरह उनके घर पर भोजन किया। वे वहां लखीमपुर प्रबुद्ध सम्मेलन में मौजूद थे। बता दें कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हिंसा हुई थी। इसमें 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस हिंसा में मुख्य तौर से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज हो चुका है। 5 अक्टूबर को लखीमपुर हिंसा के कई वीडियो सामने आए थे। इस वीडियो में दिख रहा था कि कैसे एक महिंद्रा थार गाड़ी प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंदते हुए जा रही है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। शुक्रिया।